यदि स्पाइन फ्लू के मुतालिक हमने जितनी भी बातें की कि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर क्या होता है और फिर हम अपनी मर्जी से कैसे रूटबिज बनाएंगे या बनाया था और फिर अपने पर बिना स्पाइन फ्लू प्रोटोकॉल को कैसे इंप्लीमेंट कराया था, वो सारा कुछ जो हम मेरे ख्याल में तीन हमारे लेक्चर स्पाइन फ्लू पे थे उसकी आज सारी लैब हम करेंगे जी। तो डेफिनेटली हम उसी तरह का सिनेरियो एक डिफाइन कर लेते हैं जी, जैसे हमने अपनी कॉपीज पे या बोर्ड पे या हम उस पूरे में डिस्कस करते हैं। तो तीन स्विच हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए जी, उनके दरमियान कनेक्टिविटी डेफिनेटली क्रॉस लिंक मुझे लगाना है जी। तो मैं यहाँ पर पोर्ट वन को इसकी पोर्ट टू के साथ कर दूंगा जी और इसी तरह मैं इसकी पोर्ट टू इसकी पोर्ट वन के साथ कर दूंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि मैंने जब आप वो करवा रहा था अब भी इसी तरह तो इसकी टू के साथ हो गया। तो ये तीन स्विचेस की क्या हुआ, अभी ये देखिए ये ऑरेंज है अभी ठीक है, जो आपको मतलब रेड सा नजर आ रहा है बेसिकली ये जो स्विचेस होते हैं वो ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज लाइट होती है। तो अभी आप देखें कि पहले ये ऑरेंज सी लाइट है, डेफिनेटली ये देख रहा है उन पोर्ट्स को अप करने से पहले कि कहीं ये लूप का बायस तो नहीं बनेगी। तो बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस पर स्पैनिंग ट्री क्या होता है, अनेबल्ड होता है जी। तो जो पोर्ट लूप का बायस बन रही थी उसने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि ये इस टाइम एनडीपी पोर्ट है जी और इसकी स्टेट क्या है, ब्लॉक है। तो ये वाला लिंक क्या हो गया, ब्लॉक। तो सिर्फ ये लिंक चल रहा है जी, ये तो इट मींस कि अब आपका नेटवर्क क्या है, लूप फ्री है बाय डिफॉल्ट। अब जिसकी दोनों पोर्ट ग्रीन और ऑपोजिट डायरेक्शन भी ग्रीन होगा डेफिनेटली वो स्विच क्या बना है, रूट ब्रिज बना है बाय डिफॉल्ट। तो ब्रिज पार्टी आपकी क्या है, सेम है। तो ब्रिज पार्टी की बेस पे तो डिसीजन, और सॉरी ब्रिज पार्टी की बेस पे तो डिसीजन नहीं होगा। तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो क्या है, जिसका लोएस्ट मैक होगा। तो लोएस्ट मैक किसका होगा, जो स्विच सबसे क्या होगा, पुराना होगा। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पाइन ट्री के अंदर, स्विचेस पर बाय डिफॉल्ट स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल अनेबल्ड होता है जी और वो उस स्विच को रूट ब्रिज बना देता है बाय डिफॉल्ट, जिसका मैक लोएस्ट होता है। और मैक डेफिनेटली किसका लोएस्ट होएगा, जो स्विच सबसे पुराना होगा। तो दूसरे लफ्जों में ये कहना कि आपके नेटवर्क के अंदर जो स्विच सबसे पुराना है, जो मतलब इतना अच्छा कंसीडर नहीं होगा, सारा कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट तमाम स्विचेस पर अनेबल्ड है तो डेफिनेटली ये हमारे नेटवर्क के लिए जो बाय डिफॉल्ट डिसीजन उसका है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपने अपने नेटवर्क के अंदर उस स्विच को फिर रूट ब्रिज बनाना है जो तो लेटेस्ट होगा, या दूसरे लफ्जों में जिसका मैक सबसे हाईएस्ट होगा। तो डेफिनेटली जो बाय डिफॉल्ट है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली पहले मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये स्विच बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज है जी। सिर्फ मैंने क्या कमांड लिखनी है, शो स्पाइनिंग ट्री। तो बाय डिफॉल्ट तो अभी वी लैंग कौन सी बनी हुई है, वन ही बनी हुई है। तो अभी वो स्पाइनिंग ट्री दिखाएगा इंस्टेंस वी लैंग वन के लिए। अगर मैं कल को वी लैंग कुछ 10 वी लैंग जोर बना देता हूँ और शो स्पाइनिंग ट्री करता हूँ तो पहले वो वी लैंग वन के लिए इंस्टेंस दिखाएगा,
फिर जितनी अगली 10 होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी एक ही वी लाइन बनी हुई है तो मुझे दिखाएगा ये कौन सी वी लाइन के गेंस दिखाने जा रहा है। वी लाइन 1 जो बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पर बता रहा है कि ये स्विच क्या है, इसका रोल क्या है, या ये क्या डिक्लेयर हुआ है, रूट डिक्लेयर हुआ है। अब देखें, जो स्विच रूट डिक्लेयर होएगा, एक तो उसका मैक होगा जी, और एक स्विच वो होगा जहां पे आप इसको देख रहे होंगे। मतलब अगर 3 स्विचेस हैं तो डेफिनेटली 3 में से एक तो रूट है और 2 नॉन रूट बिट्स हैं, तो जो 2 नॉन रूट बिट्स हैं उन पे अपने मैक होंगे ABC, और रूट में किसका होगा XYZ, जो कि कौन सा रूट बिट्स है। तो ऐसा स्विच जहां पे मैक्स डिफरेंट होंगे, मतलब ब्रिज का कोई होगा रूट का कोई होगा, तो इट मींस कि मैं एज अ स्विच रूट ब्रिज नहीं हूं। लेकिन जहां पे देखें जो स्विच एज अ रूट है और जो उसका मैक है, वही स्विच और ब्रिज का भी मैक है, क्योंकि यही ब्रिज यही स्विच एज अ क्या रोल प्ले कर रहा है, रूट के तौर पर। तो जहां पर आपको दोनों मैक सेम नजर आए, उसकी एक और निशानी ये है कि वो स्विच ऐसा रूट ब्रिज है, और वैसे भी लिखा हुआ कि ये स्विच क्या है, रूट ब्रिज है। और मैंने कहा था कि जो स्विच रूट ब्रिज होता है वो बिना इलेक्शन ही उसकी जितनी भी पोर्ट्स होंगी वो बाय डिफॉल्ट क्या डिक्लेयर हो जाएंगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो आप देखें यहाँ पे उनकी क्या आ रहा है, डेजिग्नेटिंग, और ये क्या है, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग मैंने आपको कहा था ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग तक, तो फॉरवर्डिंग मीन हेल्दी स्टेट, और इसके आगे 19 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 100 Mbps की लिंक है, और 100 Mbps की कॉस्ट क्या है 19। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट प्रायोरिटी थी, जिसको मैंने कहा था 1 byte का होता है, 1 byte मतलब 8 bits, 8 bits का क्या मतलब है 0 से 255, तो पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है 1 to 8। तो वो कहता है जी के रूट ब्रिज की तरफ से BPDUs निकले पोर्ट नंबर 1 से, आगे .1 नजर आ रहा है, और पोर्ट नंबर 2 से आगे .2 नजर आ रहा है जी, और जो लिंक है वो पॉइंट टू पॉइंट है जी। बाय डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी क्या होती है 32800, और एक वीलैन का नंबर है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 32768। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने वीलैन 10 बनाई तो तब भी आपकी ब्रिज प्रायोरिटी क्या होगी 32768, और वीलैन का नंबर क्या है 10, तो 68+10 जब आप करेंगे तो 32778 आपको आगे नजर आएगा जी। यहाँ पे आपको 69 नजर आ रहा है, क्योंकि वीलैन क्या है अभी 1 नहीं है जी। ये तो हो गया इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। अब अगर देखें तो ये स्विच तो क्या है रूट ब्रिज, और इसकी ये दोनों पोर्ट क्या है डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब आते हैं ये वाला स्विच, इसकी इस डेजिग्नेटेड के अगेंस्ट ये वाली पोर्ट जो कि 5/0/1 है, ये है रूट पोर्ट, और इसकी पोर्ट नंबर 2 क्या होगी डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो देखते हैं जी ऐसे ही है क्या, तो देखिए पोर्ट नंबर 1 क्या है रूट पोर्ट, जो किधर से आ रही है रूट ब्रिज की तरफ से, तो एक तरफ डेजिग्नेटेड है और एक तरफ क्या है रूट पोर्ट है, जबकि दूसरी तरफ जो मेरी 5/0/2 जो ऊपर वाले स्विच के साथ अटैच है, जो कि दूसरी तरफ उसकी NTP पोर्ट है, उसका इस तरफ से क्या स्टेटस है डेजिग्नेटेड पोर्ट ये वाला जी। अब अगर इसमें आए तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक तरफ यानी कि 0/2 पे क्या नजर आएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और 0/1 पे क्या नजर आएगा आपकी NTP पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट। तो
ये देखें, ये आपको दूसरे एंड पे क्या नजर आ रही है, रूट पोर्ट जी, और ये आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लॉकिंग, अल्टरनेट ब्लॉकिंग स्टेट। तो ये ब्लॉक है जी। तो ये लिंक ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में कब जाएगा, जब आपका उन दो लिंक्स में से कोई ना कोई लिंक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो तब ये एज अ बैकअप के तौर पे क्या होगा, लिंक अप होगा जी। ये वो सिनेरियो है जो बाय डिफॉल्ट आपकी टोपोलॉजी पे, क्योंकि स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट अनेबल था, तो उन्होंने इन पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट एक स्विच को रूट ब्रिज मानते हुए बकाया पोर्ट्स का ये बिहेवियर दे दिया। अब अगर आप देखें तो ये स्विच की पोर्ट क्या हुई है, एनडीपी हुई है। इसका मतलब हुआ कि इस स्विच का जो मैक है ना, वो सबसे ज्यादा है। तो ये स्विच क्या है, मतलब मैं कह सकता हूँ दूसरे लफ्ज़ों में कि ये क्या है, हम कह लें कि ये लेटेस्ट है। तो मेरे लिए क्या है कि मैंने इस स्विच को क्या बनाना है, रूट ब्रिज बनाना है। तो उसका डेफिनेटली मैं मैक तो कम नहीं कर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं उसकी ब्रिज पार्टी को क्या कर दूं, कम कर दूं। जैसे मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाऊंगा तो इसकी दोनों पोर्ट ग्रीन इस तरह हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट जी। इस डेजिग्नेटेड के अगेंस्ट इस तरफ और इस तरफ क्या आ जाएगी, रूट पोर्ट आ जाएगी। बात समझ रहे हैं जी। फिर अगर बात करो इन दोनों की तरफ से, ये दोनों डेजिग्नेटेड बनेंगी, लेकिन इनमें से एक पोर्ट क्या बन जाएगी, एनडीपी बन जाएगी। तो डेफिनेटली इसका मैक इस वाले से बड़ा है, ये मैक की बेस पे तो विन किया है, इसका मतलब इसका मैक बड़ा है। तो ये वाली पोर्ट, जब मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाऊंगा, तो ये वाली पोर्ट जो कि क्या है, पोर्ट नंबर वन, स्विच वन की पोर्ट नंबर वन क्या डिक्लेयर हो जाएगी, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ब्लॉकिंग। अब मुझे इस स्विच को रूट ब्रिज कैसे बनाना है जी, वो देखते हैं जी। सो मैं स्पैनिंग ट्री वीलैन वन, मैंने आई थिंक कमांड लिखवाई हुई है 4096। तो बाय डिफॉल्ट दोनों स्विचेस की जो क्वालिटी है वो 32768 है। मैं अपने स्विच जीरो के पास आकर उसका कहता हूं कि इसकी प्रायोरिटी क्या कर दो, 4096 कर दो, जबकि बकाया की क्या होंगी, 32768। तो लिहाजा ये प्रायोरिटी कम होने की बेस पर ये स्विच दोबारा से इलेक्शन करवाएगा और ये ऑन कर जाएगा। देखें जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे पीछे एक हलचल सी मच जाएगी, ये देखें दोनों रेड, ये पूरा स्नैरियो सा चेंज होगा, दोबारा से री इलेक्शन होगा। एक टाइम के बाद ये जो दोनों आपको रेड नजर आ रही हैं, ये ग्रीन हो जाएगी और यहां पे आके रेड आएगा जी। हाँ, लेकिन वो अभी ग्रीन नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है। ये एक्चुअल सिनेरियो हो गया जी। अब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया जी, ये भी रूट पोर्ट होगी, ये भी रूट पोर्ट होगी, ये डेजिग्नेटेड होगी और ये नॉन डेजिग्नेटेड होगी। लेट्स सी, अब अगर मैं इसको शो स्पाइनिटी करूं तो ये देखें इसकी दोनों पोर्ट्स क्या हो गई हैं। और वैसे भी जिस स्विच की सारी पोर्ट डेजिग्नेटेड नजर आएंगी, आप उसको कह सकते हैं कि ये स्विच क्या है, रूट ब्रिज है जी। आप थोड़ा सा मैं ऊपर करूं तो देखें लिखा भी आ रहा है कि ये स्विच क्या बन गया। अब ये स्विच रूट ब्रिज क्यों बना है, क्योंकि इसकी मैंने ब्रिज पार्टी क्या कर दी है, कम कर दी है, 4096 कर दी है, और चूंकि वी लैन वन है वो उसमें ऐड करेंगे तो 4097 हो जाएगा। बकाया स्विचेस चूंकि आपके रूट पार्टी उनकी वैसी की वैसी है, तो पहले देखें इनका स्टेटस क्या था, एक डेजिग्नेटेड थी, एक क्या थी, रूट पोर्ट। अब आपकी जो ये रूट पोर्ट है, पोर्ट नंबर वन, यहाँ पे अल्टरनेट ब्लॉकिंग आएगा जी। लेट्स सी ये अल्टरनेट क्या आ गई, ब्लॉक आ गई। और अगर इसको देखें तो इसकी एक पोर्ट
क्या होगी, रूट ब्रिज होगी और रूट पोर्ट होगी, और दूसरी क्या होगी आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये एक लाइन लिखने से आप अपनी मर्जी से किसी भी स्विच को, अपनी टोपोलॉजी को समझते हुए आप उसको रूट ब्रिज बना सकते हैं। डेफिनेटली ये तब ही मुमकिन होगा जब आपको स्पाइन ट्री की नो हाउ होगी थी। आपको कम से कम किसी एक स्विच पर ये लाइन देने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे और कौन सी पोर्ट आपकी ब्लॉक होगी। कहीं पे ऐसा ना हो कि आप अपनी 1G की पोर्ट्स को अप करने के चक्कर में 10G की पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकें, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अगर अब आप देखें यहाँ पर वो जो दिखा रहा है ना इस टाइम, वो कह रहा है कि स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल जो इस टाइम चल रहा है ना वो ट्रेडिशनल स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसको CST भी कहते हैं, कॉमन स्पाइन ट्री, जो कि IEEE वालों की तरफ से मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो यहाँ पर आपको ना PVST नज़र आ रहा है, ना इस टाइम रैपिड वगैरह नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे अपने पूरी टोपोलॉजी के अंदर, आप किसी, ऐसा नहीं हो सकता किसी एक स्विच को रैपिड कर दें, दूसरे को CST कर दें, तीसरे को, ऐसा नहीं है। पूरी टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, क्योंकि फिर वो सिंक करने में टाइम लगेगा, तो वो आप चीज़ें नहीं होंगी। तो डेफिनेटली आपने जो भी प्रोटोकॉल, जो भी स्पाइन ट्री का फ्लेवर यूज़ करना है, जो कि रैपिड ही है, आप तमाम स्विचेस पर वो कमांड देंगे जी। वो क्या कमांड होगी जी, मैं कहता हूँ जी स्पाइनिंग ट्री, और अगर मैं मोड करूं तो अभी मुझे यहां पर दो ही नज़र आ रही है जी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रैपिड PVST, और मैं ये स्विच 2 पे दे रहा हूं जी, स्विच 2 है, यहां पे आके मैं करूंगा स्पाइन ट्री मोड रैपिड PVST जी। तो अब भी वो नए सिरे से दोबारा, डेफिनेटली आपने एक प्रोटोकॉल को चेंज किया, वो दोबारा से अपने आप को डिसिंक्रोनाइज करेंगे और फिर से टोपोलॉजी। लेकिन डेफिनेटली NDP जिस बेस पे, जिस पैरामीटर्स की बेस पर NDP डिक्लेयर होगी, वो वैसी होगी जैसे रूट पोर्ट डिक्लेयर हुई थी, वो वैसी होगी। वो जो आपके पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया जो है, वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए वो स्नैरियो वैसे का वैसे ही है। अब अगर आके मैं यहाँ पर शो स्पाइनिंग ट्री करूँ तो शायद अब मुझे दिखाएगा कि अब मेरा कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, RST। बात समझ रहे हैं, तो अब आपका ये प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, RSTPG। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए ये देखें कि ये लिंक क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो लिंक कौन सा यूज़ हो रहा है, ये और ये दो लिंक यूज़ हो रहे हैं। अभी तो जस्ट एक ही VLAN है, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो मैंने तो VLANs बनाई नहीं। अगर कहीं पे हम कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, जहां पर 100 VLANs होगी, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो 100 की 100 VLANs की जो ट्रैफिक है वो इन दो लिंक्स पर जा रही होगी, और 100 की 100 VLANs के लिए ये लिंक क्या होएगा, ब्लॉक होगा। ये आप कब यूज़ करेंगे, जब इन दोनों में से कोई लिंक डाउन होगा तो ये एज अ बैकअप के तौर पे आप हो जाएगा। लेकिन अगर लिंक आपका डाउन ही नहीं होता तो ये लिंक कभी भी आप यूज़, तो कहीं पर आपने अपने हार्डवेयर को कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसी है, अपने लोड को कैसे तमाम पोर्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बजाय इसके कि यही लिंक 100 VLANs उठाए, तो मैं कहीं ना कहीं कर दूँ कि 33 VLANs इस लिंक से जाए, 33 VLANs इस भी लिंक से जाए, और 33 VLANs। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप लोड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और फिर आपकी कोई भी पोर्ट हर VLAN के लिए ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं होगी। तो उसके लिए हमें जो मिलता था वो क्या मिलता था, पर VLAN स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल जी। उसके लिए अगर हम बात करें कैसे हम उसकी करेंगे,
तो मैं एक नोटपैड की फाइल में क्या करता हूँ, एक वीलैन बनाते हैं 10, एक वीलैन 20, वीलैन 30, वीलैन 40, वीलैन 50, वीलैन 60, वीलैन 70, वीलैन 80 एंड वीलैन 90। तो 9 वीलैंस बना रही। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी एक ज़रा जहन में आता है कि मैं नोटपैड में क्यों चला गया। अब ये कमांड तो मैंने कहाँ पे देनी है, स्विच में देनी है। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ और मैं स्विच पे दूँ तो मेरे कितने यहाँ पे स्विच हैं, 3, तो मुझे कितनी दफ़ा टाइप करना पड़ेगा, 3 दफ़ा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये 3 स्विच नहीं है, 30 है, फिर आपको कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा, 30 दफ़ा। उससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी नोट पैड पर वही कमांड्स लिख लें, उसको कॉपी करें और तमाम स्विचेस पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो कहाँ पे टाइप करना, कहाँ पे पेस्ट करना, तो जो कमर्शली तरीका है ना, उसके लिए क्या है कि आपकी नोट पैड की कन्फिगेशन की फाइल्स बनी होती है, आप वो कन्फिगेशन फाइल को कॉपी करते हैं, स्विचेस पर पेस्ट कर देते हैं, और अगर कहीं पर गलती भी हो जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, जब आपके पास नोट पैड की फाइल होगी उसको ट्रबल शूट करना एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कन्फिगेशन के आसान है। तो इस वजह से बेहतर क्या है, हम अपनी कन्फिगेशन को नोट पैड पर राइट डाउन कर देते हैं और जितनी भी स्विच राउटर पे कन्फिगेशन होती है उसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं करूँगा जी एग्जिट, और फिर मैं कहूँगा इंटरफेस रेंज फास्ट 0/1-2 स्विच पोर्ट मोड। तो चूंकि मेरी मल्टीपल वीलैंस हैं तो डेफिनेटली जो बिटवीन स्विचेस के लिंक है उनका मुझे मोड क्या करना है, ट्रंक करना है, ठीक है, ताकि वीलैन 10, 20, मतलब वो जो पोर्ट नंबर 1 और 2 बिटवीन स्विचेस लिंक हैं वहाँ पर 1 से लेकर 90 जो मैंने 10 वीलैंस हैं वो कोई भी वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी कर सके। तो ये जो कमांड है ये मुझे तीनों स्विचेस पे कॉपी पेस्ट कर देगी। तो स्विच 0 पे चलते हैं जी, पहले तो मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड, तो यहाँ पे मैंने जैसे राइट क्लिक किया तो पेस्ट का आ रहा है जी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट चूज करूंगा तो ये पूरी एक सारी चीजें अप्लाई होगी जी। ये तो देखिए कितनी आसानी है कि मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है जी। इसी तरह मैं दोबारा नोटपैड में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेक्टेड है, मैं स्विच 0 से स्विच 1 में जाऊंगा जी। वो दो देख रहे हैं लिंक क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट होगी क्योंकि एक तरफ क्या है रैपिड, दूसरी तरफ क्या, और एक तरफ क्या है आपका ट्रंक है, दूसरी तरफ अभी ट्रंक नहीं है जी। तो मुझे उसको करने के लिए और इसी तरह अब आप देखें चूंकि पर वीलैन स्पाइनरी प्रोटोकॉल हो गया ना, तो कोई भी पोर्ट आपको वो रेड दिखाई क्योंकि वो किसी ना किसी वीलैन को कोई ना कोई पोर्ट एंटरटेन कर रही होगी, बात समझ रहे हैं। अब वो कौन सी पोर्ट किसको करेगी अभी उसकी हमने करनी है अभी। जैसे ऊपर वाला स्विच देखें तो वो स्विच नंबर 0 है जी, उसका डेफिनेटली स्विच 0 है। तो मैं कुछ इस तरह करूँगा कि 10, 20, 30 के लिए स्विच 0 है, तो 10, 20, 30 के लिए इस स्विच को रूट बिट बना दूंगा, यानी कि वीलैन 10, 20, 30 के लिए इस स्विच की पार्टी को क्या कर दूंगा, 4096। फिर जो स्विच 1 होगा उसको अगली 3 वीलैंस के लिए जो भी क्या है 40, 50, 60 उसके लिए उसकी डिश पार्टी कम कर दूंगा जी। फिर क्या करूंगा कि जो स्विच 2 है जी
वहां पर जाकर 70, 80, 90 BN के लिए उनकी ब्रीफायरी को कम कर दिया। तो आपको जो स्विच जीरो है वो VLAN 1, 10, 20, 30 के लिए रूट ब्रिज बन जाएगा जी। जैसे 40 में मूव करूंगा तो वहां पे जो स्विच रूट ब्रिज बनेगा वो स्विच वन होगा जी, 40, 50, 60 के लिए जी। और 70, 80, 90 के लिए स्विच नंबर टू ऐसा क्या बन जाएगा रूट। तो अब आपका लोड जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आप अपने स्विचेस की तमाम पोर्ट्स को क्या करेंगे, यूज कर रहे होंगे। उसके लिए मुझे लंबी चौड़ी कोई कमांड नहीं देंगी। तो चूंकि मैं ये स्विच जीरो पे हूँ तो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, 10, 20, 30 और इसकी क्या कर दूंगा प्रायोरिटी 4096। तो बकाया VLAN के लिए इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, वो रहेगी 32768। तो डेफिनेटली उनके लिए ये तो रूट ब्रिज नहीं बनेगा, ये किन के लिए बनेगा, 1, 10, 20 और 30 के लिए। और फिर मैं स्विच वन पे जाकर 30, 40, 50 दे दूंगा और स्विच टू पे जाकर आपकी दे दूंगा 70, 80, 90। तो इस तरह ये तीन स्विचेस पर मैं अपने लोड को क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा पर VLAN स्पैनिंग प्रोटोकॉल को इस तरह क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो स्पैनिंग ट्री VLAN यहाँ पे कौन सी आ जाएगी जी, 40, 50, 60 और प्रायोरिटी क्या है जी, 40960। तो 40, 50, 60 के लिए स्विच वन को हमने क्या बना दिया, रूट ब्रिज बना दिया जी। और इसी तरह अगर मैं स्विच टू की बात करूँ VLAN 70, 80 और 90, 40960। अब ये जो स्विच है, अब देखिए एक तो कितनी VLAN बन गई, 9। अब अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री करूंगा ना, उसने जो सबसे पहला इंस्टेंस दिखाया वो किस भी लैन के लिए दिखाया, वन के लिए। और उसने कहा कि मैं इस VLAN वन के लिए क्या हूं, रूट ब्रिज हूं। फिर उसने इंस्टेंस दिखाया VLAN 10 के लिए, तो उसने कहा मैं 10 के लिए भी क्या हूं, रूट ब्रिज हूं। फिर उसने दिखाया VLAN 20 के लिए और उसने कहा कि मैं इसके लिए भी क्या हूं, और इवन VLAN 30 के लिए भी मैं क्या हूँ, रूट। तो मैंने स्विच जीरो को VLAN 1, 10, 20, 30 के लिए क्या बनाया था। लेकिन जैसे मैं 40 में जाऊंगा, अब ये कौन सी है, तो यहाँ पे देखें आपको कहीं पे भी दिस इज अ रूट वो नजर। और वैसे भी ये मैक और ये मैक क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब अगर मैंने वो देखना है तो वो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, स्विच वन पर जो 40, 50, 60 के लिए क्या बना है, रूट ब्रिज। तो मैं कह सकता हूँ शो स्पैनिंग ट्री VLAN 40, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जस्ट मुझे इंस्टेंस 40 VLAN का इंस्टेंस दिखाओ। तो ये देखें 40 के लिए ये स्विच क्या है, और इसी तरह मैं उसको कहूँगा आप मुझे 50 का दिखाओ, तो 50 के लिए भी ये स्विच क्या है। और इवन अगर मैं उसको कहूँ इंस्टेंस 60 के लिए, तो ये स्विच क्या है, रूट है। लेकिन जैसे मैं इसको कहूँगा कि 70 के लिए कहो, तो देखें यहाँ पे भी अभी ये कहानी खत्म हो गई, ये स्विच रूट ब्रिज नहीं रहा और मैक्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। 70 के लिए कौन बना आपका स्विच, 2G। अब हम स्विच टू पे अगर जाएं, तो 70 के लिए ये स्विच क्या बन गया, और इसी तरह
80 के लिए भी ये स्विच क्या बन गया, और इसी तरह 90 के लिए भी ये क्या बन गया, रूट बन गया जी। तो आप अपनी मर्जी के साथ भी किसी भी स्विचेस की कंडीशंस देखते हुए, मतलब ये कोई लास्ट भी नहीं है। अच्छा, लोड को बैलेंस करना, अगर आपके पास 10 kg है और दो लोग हैं तो लोड को बैलेंस कैसे करेंगे? दुनिया में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, ये ऐसे नहीं होता कि ये बजहरी आपको नजर आता है 5 kg 5 kg को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं है। इस लॉजिक को पूरी दी पूरी किताबें कैसे, फॉर एग्जांपल आप 25 साल के यंग आदमी हैं, आपके साथ आपके फादर हैं, वो 60-65 साल दे दे, आप ले आके जा रहे हो 10 kg, अब आप अपने करनी है वेट कई लोड बैलेंसिंग, तुम उन्होंने 5 फड़ा दोगे, आप तो आराम ना चुक लिया, वो तो नहीं आराम से उठा रहा, ये लोड बैलेंसिंग नहीं है। तब लोड बैलेंसिंग क्या होगी, 7 आप उठाएंगे 3, दैट इज द लोड बैलेंसिंग। हमेशा मैथमेटिकली फिगर का इक्वल होने को लोड बैलेंसिंग नहीं कहते। अब एक स्विच बड़ा तगड़ा है और एक स्विच बड़ा बूढ़ा है, तो आप कहें जी 3 ही वीलेंस को मैं लेके चलूंगा और 3 ही आप लेके चलेंगे, तो मैं तो बड़ा यंग हूं, मैं तो ऐसे लेके चला जाऊंगा, और वो जो बहुत पुराना है शायद वो उस तरीके से, तो वो स्नैरियो में कहीं ना कहीं पे जो बहुत तेजी के साथ नहीं लेके जा रहा क्यों लगना स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा जो लोड बैलेंसिंग है वो इस हिसाब से की जाती है कि जो सबसे कमजोर एंड है उसको आपने उतने ही पैकेट्स देने हैं, उतना ही लोड डालना है कि जितनी तेजी से वो उधर से मूव हो उतना ही। तो ये जो आपकी ये जो डब्बे होते हैं इनकी नजर में ऐसा नहीं है 5-5, ये आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमने जान छुड़ानी है आपको कह के तो आपको भी समझ लग रही है कि जी 9 बनाई थी 3-3 दिया, ये नहीं है। आपके जो स्विच राउटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो इन एल्गोस को फॉलो नहीं करते कि 3-3-2 ही काम खत्म, नो, उसने ये देखना है कि जो दूसरी हल्की डिवाइस है वो कितने प्रोसेस करेगी और दूसरी डिवाइस उतने ही टाइम में कितने, हो सकता है अगर 9 चीजें हैं तो 7-2 की रेशियो सेट हो। उसने ये देखना है कि डेस्टिनेशंस पर 7-2 की रेशियो से आपका डाटा पहुंचता है, 6-3 की रेशियो से पहुंचता है, 5-4 की रेशियो से पहुंचता है, हो सकता है 8-1 की रेशियो से पहुंचे, वो एक ही पैकेट को प्रोसेस कर पाए जबकि इधर से कितने हुए हैं, तो दैट इज द लोड बैलेंसिंग। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा कि वो 5-5 की लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकती, हो सकती है अगर दोनों तगड़े हैं, अगर दोनों लोग 25-25 साल के हैं ठीक है, 25-30 साल के हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही एक चीज बहुत कमजोर होगी और एक चीज बहुत जंग होगी और एक चीज बहुत मतलब तगड़ी होगी, तो वो बैलेंस ऐसे नहीं है कि आप फिगर वाइज उसका बैलेंस कर दे, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू में करने वाली बातें नहीं है, उस पर डिबेट है, क्योंकि डिबेट वहां पे होती है जो अगला बंदा भी अंडरस्टैंड करने वाला हो, अगर उसने रटा यही अंडरस्टैंड किया होगा, उसने थ्योरी को थीसिस को नहीं पढ़ा हुआ, तो वो कहेगा यार आप ना बस चुप ही कर, वो यही चल रहा है। आपने कहीं पे इंटरव्यू पे देना तो वो यही है कि जी अगर आपके 150 है 3 स्विचेस हैं तो 50-50 की आप लोड बैलेंसिंग कर देंगे। हाँ, आगे कोई समझने वाला अगर वो कहे डू यू थिंक के इस तरह की लोड बैलेंसिंग हो सकती है, तो फिर आप ये एक थ्योरी रख सकते हैं, फिर वो कहेगा कि ठीक है यार आप कुछ बुक की अल्फाजियों से हटके भी आपके पास कुछ है। तो कहीं पे भी ये मतलब नहीं है, डिवाइसेस इन चीज़ों को नहीं मानती कि आपके पास एक नंबर है डिवाइडेड बाय डिवाइसेस और जितने नंबर निकलते हैं वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नो। हमेशा डाटे की लोड बैलेंसिंग के मतलब डिवाइसेस ये करती हैं कि जिस डेस्टिनेशन की तरफ मूव करनी है
वो किस रेशो से हम डाटा भेजेंगे कि दोनों तरफ से एक ही टाइम पे डाटा मिले। वो 8-1 हो सकता है, वो 7-2 हो सकता है, वो 6-3 हो सकता है, वो 5-4 हो सकता है, व्हाटएवर। वो डिवाइसेस खुद बहुत उनके एल्गोस इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका जो स्पाइंटी प्रोटोकॉल है बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव अनेबल्ड होता है वो आपके लिए कबूल नहीं होता जी। आपने अपनी मर्जी से अपने स्विच को रूट ब्रिज बनाना है जी, और डेफिनेटली उसमें आपका कोई ना कोई लिंक फिर ब्लॉक भी हो जाएगा, और मुझे वो भी काबिल कबूल नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उसको PBST की तरफ जाऊँगा। और फिर स्पाइंटी में रहते हुए उसकी ज़्यादा टाइमिंग्स जो हैं, एक लिंक के ब्लॉगिंग के बाद फॉरवर्डिंग में आने में 50 सेकंड्स लग जाते हैं, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे मोड भी उसका क्या करना है, ज़रा रैपिड शैपिड करना है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, मैंने रैपिड को भी अप्लाई कर लिया तो मेरे लिंक को अप होने में अभी भी कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के अंदर जो आपकी वॉइस कम्युनिकेशन होती है वो नहीं ठहर सकती, वो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हमारे लिए अभी भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन स्पाइंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पाइंट्री प्रोटोकॉल जो कि एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल है, तो उसकी जॉब में ये शामिल नहीं है कि वो आपको रिडेंसी प्रोवाइड करेगा। वो तो प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया है लूप अवॉइडेंस के लिए, उसका ताल्लुक नहीं है कि वो आपके लिंक को फटाफट बैकअप भी प्रोवाइड कर देगा, ये उसका काम नहीं है। तो वो जो हमने VLANs बनाई थी, और हम मैंने साथ ही कह दिया था कि VLANs आपका कंप्लीट सलूशन नहीं है। कंप्लीट सलूशन क्या होगा, इंटर VLAN राउटिंग, कि जब आपने डिफरेंट VLANs के दरमियान मूव करना है तो फिर आपको क्या करेंगे, तो वो VLANs के अंदर उसका कंप्लीट सलूशन। सो हम मूव कर गए थे कहाँ पर, इंटर VLAN राउटिंग। तो अभी भी अगर मैं स्पाइंट्री प्रोटोकॉल की बात करूँ तो ये कम्प्लीट सलूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि अगर ये लिंक डाउन हो जाएगा दूसरे ने अप होना है, और पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाना है, और फिर इसने अप होना है, तो मेरे लिए भी वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसके साथ हमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, वो हम कल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अब मेरा ये जो सलूशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।